तो ये हमारा पार्ट 10 है, पार्ट 10 ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें हम 1.1 के जो कुछ सम्स रह गए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बता दिया, अब सम सॉल्व करते हैं। एक सम वो भी कराया था ऐड करने का, सब ट्राई करें, वो आप पिछला पार्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 का 2 का 2 सम सेकेंड सम करेंगे। ठीक है, सेकेंड सम क्या है, एक्स प्लस 7y इक्वल्स टू 10, ये है हमारे पहले इक्वेशन। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या होगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हमको दो इक्वेशन दी हुई है और पूछेगा क्या हमको, x और y की वैल्यू निकाल कर बताओ क्या होगी। तो हमको पता है तरीका क्या है, हम करना स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये देखो, सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, जो y के साथ वाले है कोएफिशिएंट वो सेम होने चाहिए। क्या यहाँ पर सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पर 7y है तो यहाँ पर 2y है, बहुत फ़र्क है दोनों में। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या थी, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। हाँ, हमारी एक कंडीशन तो मीट कर रही है क्या, बट फर्स्ट वाली कंडीशन मीट कर रही है, नहीं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 2y, 7y है, यहाँ पर 2y, तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले, हम इनको इक्वल करेंगे। अगर मैंने क्या बोला था, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना होगा हमको। तो इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 और 2 का लेना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली 7 और 2 का। तो 7 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 7 और 2 एक क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो 7 का टेबल चालू कर दो, 7 तो कटेगा नहीं, 7 2 14, ये देखिए 14 एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जो 7 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो 14 इज दी एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो हमको करना क्या है अभी, इधर वो देखो, यहाँ 14 एलसीएम है ना, तो यहाँ हमको 14 बनाना है और यहाँ हमको दोनों जगह पर 14 बनाना है। हमको ऊपर वाली इक्वेशन में 14 बनाने के लिए क्या करना होगा वो बताओ, कैसे करेंगे। एक ऊपर ऊपर अगर मुझे 14 बनाना है, नीचे 14 बनाना है, तो क्या करना होगा मुझे, देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दूँ उसको। ये देखो, यहाँ 14 बनाने के लिए मुझे 7 से पूरी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को। इस तरफ क्या, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर भी 7 है, नीचे वाली इक्वेशन में मुझे 14 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हुआ इक्वेशन, ये मैंने इक्वल कर दिया। अभी चलो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ही कर देते हैं, यहाँ पर ही 2 को x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 7y क्या होगा, 14y हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 3 21x हो जाएगा, माइनस है इधर, 7 2 14y हो जाएगा, और 7 7 क्या हो जाएगा, 49, इधर पर 7 है। ठीक है, 7 क्योंकि यहाँ 14 बनाना तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों इक्वेशन को। ये इक्वेशन मिल गई हमको अभी हमारी। अब देखो दोनों कंडीशन मीट भी करेगी, कौन सी कंडीशन, देखो दोनों भी, ये दोनों बराबर है और एक प्लस माइनस में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिखकर बताता हूँ क्या करेंगे। पहले तो ये इक्वेशन 1 थी, फिर ये इक्वेशन 2, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन 4 है ना, ऐसे ही करते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई करके कुछ मॉडिफाई किया तो 3 बन गए और ये 4 बन गए। वापस से लिख देता हूँ पीछे, कोई बात नहीं, 2x क्या था, हाँ 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 20, 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 7 7 49 हो रहा था। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 3 बनी थी और ये इक्वेशन नंबर 4 बने। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे जब इन दोनों कट जाएगा। मैंने बताया था कैसे होता है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब आप इनको ऐड करोगे तो 14 प्लस 14y माइनस 14y कट हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 21x प्लस 2x क्या होएगा, 23x। ठीक है, 49 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 69 अपॉन में 23 होता है 69, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको क्या करना है, क्या हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 में डालेंगे तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी x की वैल्यू को, हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 कौन सी हमारी, x प्लस 7y इक्वल्स 10, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। x की वैल्यू क्या आई, हमारे x की वैल्यू देखो 3 आई है, तो x के बदले में क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 7y इक्वल्स टू 10, 7y वहीं रहेगा
टेन वही रहेगा, थ्री इधर आएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सेवन वाई इक्वल्स टेन माइनस थ्री इक्वल्स सेवन। अब यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वाई इक्वल्स सेवन अपॉन में सेवन, सेवन वन जो सेवन वन जो वाई इक्वल कितना हो गया, वन आ गया। हमारी एक्स की वैल्यू थी थ्री, वाई की वैल्यू थी वन। तो आप आंसर में लिखोगे सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ऐसे लिखोगे x और y कितना है 3 एंड 1, ऐसे लिखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x और y इज 3 और 1, ऐसे करके हम लिख कर आ जाए, इक्वल्स टू 3 और 1। आगे एक और सम देखते हैं, चलिए। सम नंबर 5 देखो, सम नंबर 5 पार्ट क्वेश्चन 2 का सम नंबर 5, 5x प्लस 2y इक्वल्स माइनस 3 दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। x प्लस 5y इक्वल्स 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारी दी है, हम क्या करेंगे इसको, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अभी क्या करना होगा हमको, सबसे पहले देखना है, देखो ये 2y है और ये 5y है, क्या हमारी बात बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और इधर दोनों तरफ प्लस प्लस है, तो सबसे पहले तो हमको इनको इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए मैं 5 और 2 का एलसीएम लूँगा, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, 5 1 5 2 10 10 होता है। तो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर 10 बनाना है और यहाँ पर भी 10 बनाना है। ये इक्वेशन को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा एलसीएम 10 आया, ठीक है, दोनों तरफ अभी हमको 10 बनाना है। ये इक्वेशन को 10 बनाने के लिए मुझे देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो 10 बन जाएगा, 5 2 10 होता है। इधर भी 5 से करना पड़ेगा, अब 5, ये 5 से मुझे 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। आप ऐसा इसको लिख देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 5 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 2, ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, मैं इसके लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, क्या हो जाएगी वो इक्वेशन, पूरी इक्वेशन लिखो, 5 5 25x हो जाएगा ये, प्लस में 5 2 10y हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 3 × 5 क्या होगा, माइनस 15 होगा, ध्यान रखना है ये, 2x हो जाएगा ये, प्लस में 5 2 10y हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो अब मुझे इधर करना क्या होगा, क्या देखो हमारी एक कंडीशन तो हमने पूरी करा दी, बट दूसरी कंडीशन में दोनों तरफ प्लस प्लस आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार सब्ट्रैक करना पड़ेगा। सब्ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए करते हैं सब्ट्रैक। सब्ट्रैक ऐसे लिखोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिखोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। ये 4 को हम 1 से 3 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप, तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर प्लस 2 है क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इधर प्लस 8 है क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हो तभी साइन चेंज होती है, वो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा हाँ ये साइन चेंज हो रही है। चलिए सॉल्व करते आगे, ये देखो वापस लिख देता हूं आपके लिए एक बार। इधर तो था माइनस 15, फिर क्या था 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 8, फिर हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 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 साइन एंड साइन चेंज हो गई सबकी। ये देखो प्लस 10y माइनस 10y तो कट हो जाएगा, 25x माइनस 2x क्या होएगा, 23x हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 8, देखो इधर माइनस है, हाँ ध्यान रखना, 23x माइनस 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 15 प्लस 8 23 होगा, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर विल बी माइनस, तो x इक्वल्स क्या होगा, माइनस 23 अपॉन में 23 वन जा, x की वैल्यू क्या आई है आपकी, माइनस 1, बहुत ध्यान रखना है इसमें माइनस का, x की वैल्यू आई है माइनस 1। तो अभी क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 देख लो क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल्स माइनस 3 है इक्वेशन 1, लिख लो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3। हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में x के बदले में क्या लिखूंगा, माइनस 1, ये मल्टीप्लीकेशन में रहता है, ठीक है, माइनस 1 प्लस में 2y इक्वल्स टू माइनस 3, 5 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल्स माइनस 3, ऐसी इक्वेशन बनी है अभी। आगे देखो
माइनस फाइव वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री इक्वेशन आई है, टू वाई को हम वहीं रखेंगे, माइनस थ्री भी वहीं रहेगा, माइनस फाइव इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो टू वाई इक्वल्स प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फाइव माइनस थ्री विल बी टू, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर क्या होगा, प्लस, तो क्या होगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन 2, 2 वन जा 2 वन जा, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस 1, तो क्या लिखोगे आंसर में, x सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x और y माइनस 1 और 1, ऐसे लिख कर आओगे, ठीक है। तो ये अभी के पार्ट के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इसमें एक और मेथड होता है सब्सटीट्यूटिंग मेथड, बट एग्जाम में मेरे हिसाब से आपको वो शायद नहीं पूछते हैं वो लोग, अगर ये पहले आप एलिमिनेशन मेथड कर लो, फिर हम सब्सटीट्यूशन मेथड भी करेंगे, अगर आ गया तो लिख देंगे, नहीं तो हम मोस्टली आप पेपर में एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके आते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।